मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सम्राट नगर में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हालांकि परिवार के लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी का नाम सरफराज असलम शेख बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष है। मगर वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी सरफराज ये जो है मानसिक रूप से कमजोर है। पीड़ित लड़की ने बताया है कि 2-3 दिन से ये आरोपी सरफराज इस लड़की को परेशान कर रहा था और घर से ये लड़की दुकान पर सामान लेने जा रही थी, उसी दौरान इसने फिर से लड़की को छेड़ा और लड़की का हाथ भी पकड़ लिया। किसी तरह से लड़की घर पहुंची और ये सब अपने माँ बाप को बताई, मगर तभी ये आरोपी सरफराज जो है नाबालिग लड़की के घर पे पहुंच गया और वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर घर के सामने ही ये चिल्लाने लगा कि इस लड़की की शादी मेरे साथ कराओ, नहीं तो इसे जान से मार दूंगा। ये लड़की मेरे सपने में आती है और मैं कहीं भी जाता हूँ तो इसकी आवाज़ मेरे कान में आती है, और बाबा के ज़रिए दुआ ताबीज़ के ज़रिए बंदिश बना लिया गया है। ऐसी बातें बोलकर ये इमारत में ज़ोर ज़ोर चिल्लाकर हंगामा मचा रहा था। हालांकि इस दौरान लड़की के परिवार के लोग काफ़ी डर गए थे और इन लोगों ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था। मगर जब किसी तरह से ये शांत हुआ, उसके बाद ही नाबालिग लड़की की माँ अपनी लड़की के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँची और आरोपी सरफराज के खिलाफ यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई। मुमरा पुलिस ने आरोपी सरफराज के खिलाफ जो है 354, 504, 506 और पॉक्सो 8-12 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है।